नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो कि अभी अगले आदेश तक रोकी गई है। यानी कि जो फिजिकल अभी चल रहे थे, कुछ लोगों के यहाँ फिजिकल कंप्लीट हो गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर रुक गए हैं। यानी कि जो काम यहाँ पर चल रहा था वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उस पर रोक लग गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर यह रोक क्यों लगी और रोक लगी है तो कब तक लगी रहेगी, आपका फिजिकल होगा या फिर नहीं होगा तो कब होगा। इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके सभी प्रश्नों का हल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा अब तक आसानी से उसको पहुंचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं, यह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो कि जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक रोकी गई पुलिस भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों, जो कि अभी फिजिकल चल रहे थे उसको अभी रोका गया है, यह बाद में होगा। दोस्तों, फिजिकल जो कंपनी करवा रही थी, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी, यहाँ पर फिजिकल करवा रही थी। इसने दोस्तों बुधवार को प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा का काम छोड़कर ITBP की भर्ती कराने के लिए चली गई है। यानी कि जो फिजिकल चल रहा था उसका काम छोड़कर यह कंपनी ITBP की भर्ती कराने के लिए वहाँ पर चली गई है। ठीक है दोस्तों, यह काम कहाँ पर चली गई है, तो यह चली गई है ITBP की भर्ती कराने के लिए चली गई है। इसके चलते अगले आदेश तक पुलिस भर्ती रोकी गई है। अब ITBP की भर्ती के बाद ही यह परीक्षा संपन्न होगी। प्रदेश में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ही पुलिस भर्ती परीक्षा करा रही थी। दोस्तों, TCS ने 10 दिसंबर तक का समय लिया था और 15 दिसंबर से ITBP में भर्ती परीक्षा होनी है। यह भर्ती भी TCS को करानी है और बुधवार को पुलिस भर्ती कराने के बाद TCS के लोग PAC व पुलिस लाइन के सामान पैक करके ITBP की परीक्षा कराने चले गए हैं। इसके चलते पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने आरक्षी व PAC के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में होने वाली दौड़ प्रक्रिया को अभी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। यानी कि अगले आदेश तक इसलिए रोका है क्योंकि जब कंपनी आ जाएगी उसके बाद यह जो दौड़ होनी है वह आगे कंप्लीट होगी। दोस्तों, इससे फायदा यह मिला है कि जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पे दौड़ नहीं हुई है उन अभ्यर्थियों को यहाँ मौका मिल गया, यानी कि समय मिल गया, अभ्यर्थियों को मिला समय दौड़ प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कि जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई हैं वह सभी के लिए यहाँ पर दौड़ने का या फिर प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया है। तो दोस्तों, यदि आपका अभी दौड़ कंप्लीट नहीं हुई है तो आप जल्दी से इसकी दौड़ कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप दौड़ में डिस्क्वालीफाई ना हो और आप दौड़ निकाल के आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहता था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।